वेलकम टू माय चैनल पीहा नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए पॉलिटी, जो कि पीटी 365 का है और ये अप्रैल 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीटी, तो आगे का जो आएगा वो भी हम करवाएंगे। फिलहाल ये आपका एक साल का 6 महीने का जो भी है इसको आप कर लीजिए, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, मतलब बहुत 21 महीनों का है। तो ठीक है, तो चलिए पहले इसमें जो इश्यूज़ हैं, मतलब इंडेक्स में आप देख सकते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत जो कि करंट मुद्दे में था, जिला न्यायालय की स्वतंत्रता, मूल ढांचा, अनुच्छेद 370 का निरसन जो हुआ और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया अपना, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, व्यक्तित्व अधिकार, हेट स्पीच, उपासना स्थल अधिनियम, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे हम पढ़ते जाएंगे और इनको सॉल्व कराते जाएंगे। तो पहला जो इशू है, चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर मतलब डॉक्ट्रिन की बात की गई है। तो ये अभी करंट में क्यों है, तो पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो हाल ही में जो केशवानंद भारती केस से निर्णय जो था 1973 का, इसको 50 वर्ष पूरे हो गए थे, मतलब अप्रैल का न्यूज होगा, 2023 का न्यूज है, तो इसमें इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। गौरतलब है कि इस वाद से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो आपको पता है कि इसी केस के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को माना गया था। तो इसमें ये क्या था, जैसे 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो 50 वर्ष के केस में क्या था, केशवानंद भारती केस, तो इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जब कर कोई चीज़ 50 साल, 100 साल, 75 साल, 70 साल ऐसे कुछ कंप्लीट होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ठीक है, तो यह केशवानंद भारती बात क्या था इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो ये कहाँ का था, ये केरल सरकार के द्वारा दायर एक विरुद्ध मतलब केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका थी, जिसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कहते हैं, और इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। इस बात की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। तो उसमें जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये केशवानंद भारती केस कब आया था, किसके लिए था, और ये भी था कि इसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी। तो इसमें 13 जजों की बेंच थी, और इस बात से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान क्या थे कि मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, कि इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, और साथ ही ये निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन जो होना चाहिए वह मतलब मूल अधिकारों के या मूलभूत विशेषताओं पर कोई क्षति ना पहुँचाए। इससे पहले गोलकनाथवाद भी आया था, जो 1967 में आया था, ये भी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सन। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 तहत संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, मतलब सीमित है, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटी के मूल अधिकारों को संविधान में संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो पहले यही था कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको निरस्त नहीं किया जा सकता। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है, कोर्ट ने निर्णय दिया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। अन्य निर्णय के बारे में बात करें तो इस ग्राफ को हम देखते हैं, जो कि मूल ढांचे के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो इसमें सारे चीज़ें हैं, डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेट्स ही बहुत ही। गोपालम एके गोपालमवाद 1950 में आया था, और शंकरी प्रसादवाद भी आया था, और सज्जन सिंहवाद, जिनका सभी का एक ही था कि संसद के मूल संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, यही था इन तीनों का, गोपालनम, शंकरवाद और सज्जन सिंह का, जो कि 1950, 51 और 65 में आया था। यह डेट्स याद जरूर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आया था गोलकनाथवाद, जो कि 1967 में आया था, और इसमें अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की थी, मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, और संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात था। तो अगला था 1971 का, जो कि केशवानंद भारती केस है, जिसमें क्या हुआ था, तो इसमें संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है ये माना गया, और इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, 25वां संविधान संशोधन था, जिसमें धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई, और धारा 3 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई।
अनुच्छेद 39 बी और 39 सी के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त किया गया। और 73वां था ये, और 73वां जो 73वां आया इसके बाद केशवानंद भारती के, जिसके बारे में आपको पता चल गया। और अमय निर्णय भी है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें और 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। बाकी मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ हुआ, और जैसे इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचे का कोई तो वो नहीं होगा, लेकिन टाइम आने पर जब जुडिशियल रिव्यू होगा सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि मूल ढांचे का ढांचा क्या है। कुछ सिद्धांत के बारे में है जो कि वर्तमान मूल ढांचे का भाग है, जैसे भारतीय संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान की पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभेदीकरण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन आदि, जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, मूल ढांचा। तो इसके बारे में देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता की संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात करें तो कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, जिसमें है जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन, अन्य सेवा शर्तों के मामले में देशभर में एक रूपता बनाए रखी जानी चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका कार्यपालिका कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए, पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता, एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है एक राज्य के न्यायालयों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्ति न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होना चाहिए। जिसमें हाई कोर्ट है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, तो सिविल जिसमें वो सुनता है दीवानी मामले और क्रिमिनल फौजदारी मामले। तो दीवानी मामले में आज अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, मुंसिफ कोर्ट आता है, और मुख्य क्रिमिनल में जो आते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। जिला न्यायालय क्या है, जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता, नामकरण एवं राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः कितने त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है, ठीक है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति, पदस्थापन और पोस्टोन्नति जो होती है हाई कोर्ट के परामर्श पर राज्यपाल करता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद है अब 1370 का निरसन, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 370 को लेके बहुत ज़्यादा बातें उठी थी कि ये एक संवैधानिक नियमों के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक नियमों के आधार पर ही है। और उन्होंने बताया जो कि आपको पता है 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान में आदेश दिया था कि 2019 से जारी किया था कि इसके बारे में जम्मू संविधान में जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा क्या राष्ट्रपति शासन। तो इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उनकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 में एक अस्थायी और संकटकालीन प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्य या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के हिस्से में मिलाकर नया राज्य बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 3 में स्पष्टीकरण के रूप में कहा गया कि 3A में ये है कि प्रयुक्त शब्द राज्य में केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बम्बई मामले में दिए गए फैसलों को भी दोहराया, जिसमें कहा गया था कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। और अगला है अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक परिदृश्य था, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि 1970
सत्तारे जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक जो थे कौन थे, हरी सिंह, जो LOA पर हस्ताक्षर किए थे और इस सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसोसिएशन IOA पे इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत भी हुए थे। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान क्या है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का शीर्षक है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 3 क्या है, प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्य के राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद पहले हिस्से में कहा गया कि उपर्युक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। यदि विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजना चाहिए। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 है, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि न्यूज में क्यों हुआ है। तो न्यूज में जो भी चीज़ें रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खासकर प्रीलिम्स एंड वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित प्राप्त किया और यह विधेयक अधिनियम बन गया है। तो यह अधिनियम क्या है, NCTD जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द रही है, तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इस अधिनियम में NCCSA के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामले जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अनुद्धर मामले भी आते हैं दिल्ली के LG को सिफारिश करना। NCCSA के सभी निर्णय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। दिल्ली में प्रधान, गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों ही नियुक्त केंद्र शासित करेगी। LG की शक्तियाँ ऐसे मामले में जिनमें LG पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है निम्नलिखित है। ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं किंतु उन्हें LG को सौंपा गया है, या ऐसे मामले जहां LG को कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। LG को प्रमुखता या कानून LG के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। इसके तहत वह NCCSA की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। तो LG जो है NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में LG का निर्णय अंतिम होगा। मंत्री द्वारा मामलों का निपटान, कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को LG की राय हेतु प्रस्तुत करना होगा। यह मामले निम्नलिखित में से संबंधित हो सकते हैं, जैसे दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य सरकारों के बीच संबंध और विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्र अवसाने में विघटन और ऐसे मामले जिन पर LG अपने विवेकाधिकार पर आदेश देना होता है। दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास हम देखिए यहाँ पे, तो 1951 में इसे भाग सी का राज्य बनाया गया था। तो आपको पता है पहले भाग 4 भागों में बटा हुआ था, ABCD, जिसमें सी में था ये आपका दिल्ली। 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को UT का दर्जा 1956 में मिला था। और उसके बाद 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1991 में 69वां संविधान संशोधन और GNCTD अधिनियम 1991 पारित किए गए। फिर 2021 का तो GNCTD संशोधन अधिनियम भी 2021 पारित किया गया। फिर आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शासन व्यवस्था के बारे में। तो आपको पता है ये क्या है, UT है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक UT के रूप में वर्गीकृत किया गया। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि UT का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाए, जैसे LG, और विशेष दर्जा इस बालकृष्ण समिति की सिफारिशों के बाद 69वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य प्रदान किया गया था। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239A को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा या मंत्रिपरिषद से नियुक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 239A द्वारा। उपराज्यपाल, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया और दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद
की सहायता और परामर्श के कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियों की बात करें तो दिल्ली विधानसभा के पास मुस्लिम लोक सेवा, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समावर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समावर्ती सूची के सभी कानूनों पर मतलब विषयों पर कानून बना सकती है। और GNCTD अधिनियम जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासित अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली राज्य सरकार के कामकाज की रूपरेखा तैयार की गई है। अब है प्रिवेंटिव डिटेक्शन क्या है, ये सुर्खियों क्या है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन मतलब जिसे निवारक निरोध बोलते हैं का केवल एक असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए बुरे मामले को समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में समझते हैं, यह है क्या। तो अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समझ खतरा हो उत्पन्न कर सकता है, ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराधी नहीं होता है लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन मतलब गिरफ्तार किया जाता है। तो इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। तो भारत का संविधान 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी या हिरासत में सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के प्रावधान लागू नहीं होते, मतलब अनुच्छेद 22(3). संसद से को भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामले के प्रिवेंटिव डिटेक्शन संबंधी कानून बनाने अनन्य प्राधिकार प्राप्त हैं। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। प्रिवेंटिव मतलब निम्नलिखित में से कुछ कानून हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन के प्रावधान हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जो रोकथाम के लिए है। तो प्रिवेंटिव डिटेक्शन से संबंधित कुछ और बातें कर लें, जिसमें संवैधानिक प्रावधान है जो 22(1) में क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखने के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता, ऐसा 22(1) में लिखा गया है, या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और 22(2) में है, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है कि उपरोक्त दो खंड मतलब जो ऊपर दिया गया है 1(2) तो व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश या नागरिक या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। और अनुच्छेद 22(4) में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है, हालांकि सलाहकार बोर्ड या पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(7)(b) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा प्रावधान करती है। और ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है इस पर डिपेंड करता है। और प्रिवेंटिव डिटेक्शन के संबंध में कोर्ट के निर्णय क्या थे, जैसे इसमें एक निर्णय है AK Gopalam बनाम मद्रास राज्य 1950 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेक्शन अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, गोपालम केस याद रखिएगा। सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। और शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राष्ट्रवाद, जिसमें हालांकि प्रिवेंटिव डिटेक्शन की अवधारणा अपने आप में कठोर और संविधान में गारंटीकृत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। अब अगला है पर्सनालिटी राइट्स। तो इस ये न्यूज़ में क्यों है, तो हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने बॉलीवुड के एक अभिनेता व्यक्तित्व के अधिकार को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग करने के लिए इसका संरक्षण प्रदान किया है, करने की बात की गई है। तो व्यक्तित्व अधिकार क्या होता है, तो व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य निजता के अधिकार, जैसे राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, या संपत्ति के अधिकार के तहत उसे व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियों, जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करने और किसी सेलिब्रिटी आदि से व्यक्तित्व का प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार के बारे में जाने तो देश में व्यक्तित्व अधिकार उनके संरक्षण का कानून किसी भी कानून से स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान हैं।
भारत में व्यक्तित्व अधिकार निम्नलिखित दो प्रकार शामिल हैं, राइट ऑफ पब्लिसिटी या किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उनकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने का अधिकार संबंधित है, और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में जिसमें कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून शामिल हैं, और निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी बताई है जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति एवं पुट्टास्वामी मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। KS पुट्टास्वामी को याद ही होगा। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार की बात करें तो प्रतीक और नाम, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी क्या है, तो ये अधिनियम 1950 का है। जो यह कानून इस अधिनियम के अनुसूची में अनुसूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नाम प्रतियों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है, और भारतीय दंड संहिता IPC किसी व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तित्व अधिकार की बात करें तो वर्तमान पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण संबंधी कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधि नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे रोम अभिसमय जिसमें 1961 का है, जो कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम और प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारक अधिकारों की रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू जिसमें ट्रिप्स समझौता 1994 का है, यह समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर या लाइव प्रदर्शन करने वाले लोग के कुछ अधिकारों प्रसारक अधिकारों की रक्षा करता है। वीपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों, फोनोग्राम या प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करती है। अगला है व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 21 के अनुसार, ये तो सबको पता होगा, व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, ये है। और अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। और उसके बाद व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय, जिसमें दीपा जय कुमार बनाम AL विजयवाद 2019 का है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति को मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्रिवेंटिव लिमिटेड और अन्यवाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति को छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है। अब हम आगे बात करेंगे हेट स्पीच, तो सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। हेट स्पीच क्या है, किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, और हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को फैलाता है, और हेट स्पीच को व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल होते हैं। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रसारित किया जाता है। भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले कानून हैं, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 19(2), जिसमें सभी अधिकारों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, और इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है लोक व्यवस्था सदाचार नैतिकता के संरक्षण हेतु। और भारतीय न्यायिक संहिता 2023 है, जिसमें धारा 196(1) में धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविधित समूहों के बीच शत्रुता का बढ़ावा देने को दंडित करती है, और धारा 299 किसी भी वर्ग, धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड को परिभाषित करता है। और धारा 353(1) और 353(2) में विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि व शत्रुता, घृणा, दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन, अपवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है, इस अधिनियम में धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने पर दोषी पाए जाते हैं। धारा 123(3)(a) में लिखा गया है कि जिसमें धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है, साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित करती भी है। और अगला है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का, जिसमें धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से, संकेतों या तस्वीरों द्वारा अन्यथा
अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धार्मिक संस्था अधिनियम 1988 है, जिसमें धारा 3G धार्मिक संस्थाओं या उनके प्रबंधों को विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है। और इसमें हेट स्पीच संबंधित न्यायिक निर्णय कुछ हैं, जिसे प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद था 2014 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभाव पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे विधि आयोग को सौंपा था। और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, जो कि बहुत ही चर्चित था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है। अगला है अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020 का। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलन करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असामंजस्य को प्रसार को रोकने के लिए आवश्यकता को रेखांकित किया। उपासना स्थल अधिनियम 1991। अगला न्यूज है उपासना स्थल अधिनियम 1991 में। तो इसमें इसका न्यूज ये था कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने में अन्य अदालतों को रोकने आदेश नहीं दे सकता। तो इसे वो रोक नहीं सकता है, रोकने का आदेश नहीं दे सकता। तो ऐसा था इसमें धार्मिक विवादों से रिलेटेड। तो उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में पहले हम जानेंगे। तो यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल पर धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी भी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। और साथ ही यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने, जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए अदर हम इसमें इतना ही है। अदर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। वर्तमान कितनी भाषाएँ हैं, तो वो है 22, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जैसे सिंधी को 1967, सिंधी भाषा को 1967 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन थ्रू और सूचीबद्ध किया गया। और 2003 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान की 9वीं अनुसूची की बात करें तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब 1973 वाक्य पहले वाले में नहीं की जा सकती, लेकिन बाद वाले में की जा सकती है। अगला है चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध करने स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार जो है 20(3) में निहित है। और हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क के अधिनियम 1962 का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही है, उसे अधिकार उपलब्ध नहीं है। कारण यह है कि किसी अपराध या अभियुक्त नहीं होती है और वकील रखने का हकदार भी नहीं है। और नेक्स्ट है नंदिनी दत्तपति बनाम PL दानी मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, तो जैसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और न्यायालय द्वारा इस अधिनियम भारत सरकार के संविधान के भाग 3 जिसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कहा गया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अधिनियम संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन करने से है। न्यायालय ने कहा कि ये राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं है, यह नकारात्मक भेदभाव है।
तो ये पंजाब और हरियाणा ने कहा था। आंध्र प्रदेश 2019 में जैसे कुछ राज्यों ने इसी तरह के कानून बनाए थे। तो अफर्मेटिव एक्शन तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। इसे अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के उपयोग में लाया गया था। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ता जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में सरकार को आरक्षण संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में रोजगार एवं शिक्षा ओबीसी एससी और एसटी के लिए आरक्षण 50% की सीमा तक तय की थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में जाने तो इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक भाषा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 355 तो पता ही होगा, संविधान के भाग 18, 352, 360 में निहित आपातकाल संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा है। तो इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। पैदल चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, तो पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अधिकार NHAI सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करने का अनिवार्य बनाता है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो है संसद राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार कार्यप्रणाली से रिलेटेड, जिसमें पहला न्यूज है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो संसद मानसूत्र सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जैसे कि आप जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक विधायी प्रस्ताव है। यह केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? ये केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके द्वारा विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती दे सकता है। संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत हो। इसका अर्थ यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया जा सकता है। संवैधानिक अनुच्छेद लोकसभा में कार्य संचालन के नियम की बात करें तो अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अनुच्छेद 164 क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा की प्रक्रियाओं एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 168 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध प्रदान किए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव का आधार है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। 62 जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता। दोबारा नया प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन को उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव की निम्नलिखित सामान्य प्रक्रियाओं के बारे में बात करें। जब सदन विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार को बहुमत नहीं है या सरकार अपना विश्वास खो चुकी है तब वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। लोकसभा अध्यक्ष परीक्षण करता है कि अविश्वास प्रस्ताव सही है नहीं है। नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगता है। फिर इसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने में पक्ष में है। यदि कम से कम 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं तो अध्यक्ष इसे सदन में पेश करने की अनुमति देता है। अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर की तारीख से 10 दिनों के भीतर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया है। यह पीठ पीवी नरसिम्हा राव 1998 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। अन्य संबंधित तथ्य हैं जैसे पीवी नरसिम्हा राव 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 1993 में जुड़ा है। ज्ञातव्य है कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने विश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों के कई सांसदों को रिश्वत दिया था। निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 में और 194 क्लॉज 2 के तहत सांसद या विधायक को प्राप्त कानूनी अनुमति संसद या विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण प्रदान करता है। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा और उनके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों को दौरान दिए गए कृत्यों
या दिए गए बयानों के लिए सिविल या दंडनीय अदायित्वों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य या सदस्य के संसदीय विशेषाधिकारी को उपेक्षा करता है, उसे कमजोर करता है, तो उसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि संसद सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई और अथवा नहीं किसी भी न्यायालय को यह तख्ती नहीं सौंपी गई है। सदन का कोई भी सदस्य सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है। विशेषाधिकार के स्रोत आधारित हैं 105, जिसमें संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों के शक्तियों और विशेषाधिकार संबंधित हैं। 194 है। 105(2) में प्रावधान किया गया, कोई भी संसद संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन पत्र मतपत्र कार्रवाई के संबंध उत्तरदायी नहीं होगा। और 194(2) में भी ये सब प्रावधान दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद के नियमों प्रक्रियाओं के अधीन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 118 में वर्णित है। 122 है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून है गिरफ्तारी पर रोक, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। यह प्रावधान किया गया कि किसी भी कानून निर्माता को संसद के सत्र में 40 दिन पहले सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन से 40 दिन के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि विशेषाधिकार दीवानी मामले तक ही सीमित हैं। किसी सदस्य संसद सदस्य को सत्र के दौरान अन्यथा किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई से कोई छूट प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों के नियम प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकार संसद को किसी भी दंड योग आरोप या अपराध के लिए किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी हिरासत दोष सिद्धि कारावास और तिहाई के समय तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अज्ञात व्यक्ति को बाहर करने का अधिकार सदन के सदस्यों और गैर सदस्यों को सदन की कार्रवाई के बाहर की शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है। सदन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिए अधिकार आवश्यक है। अन्य स्रोत हैं संसदीय परंपराएं और न्यायिक व्याख्याएं। सदन की अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस विशेषाधिकार का उल्लंघन सदन की अवमानना को अलग होता है। ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया जो संसद के किसी भी सदन के कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। विधि निर्माताओं का निष्कासन एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स सुर्खियों में क्यों है कि हाल ही में लोकसभा के आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक सदस्य के अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण स्वीकार करने के आरोप में सदन से निष्कासित कर दिया गया। तो इथिक्स ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा क्या होता है? तो इसमें अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिकतम 15 सदस्य होते हुए 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी भी सदस्य के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत की जांच करना, सिफारिशों का कारण करना और सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाना है। और लोकसभा की पहली आचार समिति 2000 और राज्यसभा की 1997 में गठित की गई थी। तो अभी आपको महुआ मित्रा के बारे में पता होगा। सांसद निलंबन निष्कासन का कानूनी आधार क्या होता है? सदन की सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन का पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। और अत्यधिक कदाचार के मामले में सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्तियों से सदन को मुक्त करने हेतु किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में निलंबन संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, तो इसमें है लोकसभा के नियम। तो नियम दोस्तों 373 में लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो उस सदन को तत्काल सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है। वह सदस्य उस दिन की शेष बैठक के समय सदन के अनुपस्थित रहेगा। और 374 में अध्यक्ष जरूरी समझते हुए उस सदस्य का नाम ले सकते हैं जो अध्यक्ष के प्राधिकार की उपेक्षा करता है या जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इस तरह नाम लिए जाने पर अध्यक्ष उस सदस्य को सदन के शेष काल के सदन से निलंबन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वह सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा। 374(1) 2001 में लाया गया, जो यदि कोई सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालता है तो जानबूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिए जाने पर लोकसभा की 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित हो जाता है। राज्यसभा का नियम है 225। यह राज्यसभा के सभापति को अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है। और नियम 256 यह नियम सभापति को नियम पराधिकार की उपेक्षा करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों का नाम लेने की अनुमति देता है। इसके बाद सदन सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकता है। लोकसभा नियम 374(1) के तहत विपरीत राज्यों
राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकता। हालांकि न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किए हैं। उदाहरण के लिए राजा रामपाल वाद 2007 में न्यायालय ने राज्य रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस कार्रवाई की न्यायिक जांच के दायरे में आती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए अगर चाहिए तो। अगला है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मैं वही चीज़ बताऊंगी जो ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट। ओके, तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभाओं को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की। तो 10वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार आता है कोहितो होलोहन बनाम जाचिलू और अन्य वाद 1992 का। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है और है कि सम एक चंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा एवं अन्य वाद 2020। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। और चलिए 52वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें, जो 1985 में आया था, जिसमें 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, जिसमें दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है के बारे में बताया गया है। तो और अयोग्यता का आधार क्या होगा? स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, सदन में अपने राजनीतिक दल या जारी किसी निर्देश के विपरीत दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। इस तरह कृत्य उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अयोग्य हो जाता है। कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी अयोग्य हो जाता है। दल बदल कानून के अपवाद हैं। दल बदल कानून किसी भी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उनके विलय करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विधायक विलय के पक्ष में हो। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वो फिर उस दल में शामिल हो सकता है। वर्तमान पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। व्हिप के बारे में बात करें तो दल बदल विरोधी कानून का नियम 2 दल के सदस्यों को दल के व्हिप नीतियों का पालन करने के दायरे में रखता है। संसद की भाषा में व्हिप का तात्पर्य क्या है? तो दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए जारी लिखित आदेश है और इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए दल के अधिकृत सदस्य को व्हिप या सचेतक कहा जाता है। भारत में व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में विरासत मिली है। ब्रिटेन में विधि निर्माताओं को व्हिप के माध्यम से दल के आदेशों का पालन करना होता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। एक हालिया विश्लेषण पता चलता है कि 2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई है। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ है। पिछले 59 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बात करें तो जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं तो उसे अध्यादेश कहते हैं। संसदीय राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों में से एक सत्र जहां पर केवल विधानसभा और वहां केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की जारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। यह तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 भी था। संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध किए गए हैं। 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानूनों के समान होती है। हालांकि ये कानून अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अध्यादेश सदन के अगले सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक ही वैध रहते हैं। ये दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों में से बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को इसे वापस लेता है या दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हैं, वे संकल्प पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले ही समाप्त हो जाता है। राज्य विधायिका के मामले में इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। विधान परिषद यदि है तो सहमति व्यक्त कर सकती है। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों में जारी किए जा सकते हैं जिन पर संसद विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही इन अध्यादेशों की भी वही संवैधानिक सीमाएं हैं जो संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती है। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला संसद सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों
जो राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा, इसके बारे में बात की गई। और संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन कार्य सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित कर सकती है। तो हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं हुआ है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। 187 इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान मंडलों के सचिवालय के लिए 98 के समान ये प्रावधान किए गए हैं। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा ये कंपेरिजन। और भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है तो वर्ष 2023 में संविधान संशोधन 73वां 74वां को 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 73 पंचायतों से रिलेटेड है तो पता ही होगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो ये क्या, इसका मतलब है केंद्र राज्य सरकारों का, स्थानीय सरकारों का, जैसे पंचायत नगर पालिका की शक्ति। तो ये है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73 1992 का और ये 74वां। तो संसद में अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये है गांवों को, ये शहरों को। और भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसमें 9A जोड़ा गया, 243 से पी से लेकर जेड जी तक है और इसमें 243 से लेकर ओ तक का प्रावधान किया गया। संविधान में एक नई सूची ग्रामीण जोड़ी गई, इसमें 12वीं जोड़ी गई, इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। पंचायती राज को मजबूत करने के उठाए गए कदम हैं जिसमें है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम, इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए अंदर में जाके, लेकिन नेम ही लिख देंगे, इम्पॉर्टेंट है। सबकी योजना सबका विकास है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान नियम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है डेट्स। इसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 की, अशोक मेहता आए थे 77 मतलब 20 साल बाद और CH हनुमंत राव आए थे 1983 में 5 साल बाद और GVK राव आए थे उसके 2 साल बाद और LM सिंधवी आए थे 1986 में, थोंगन 1988 में। ये क्रोनोलॉजी में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 2021-22-23 के लिए PRI वित्तीय स्थिति दर्जा की गई है। पंचायत वित्तीय सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 243H में विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान प्रदान कर सकता है या पंचायतों को कर शुल्क पथ कर फीस लगाने एकत्र करने आवंटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243I में पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करने हेतु 5 सालों में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और 280 क्लॉज 3 और क्लॉज 4BB जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समुचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करें। तो पंचायत के बारे में राजस्व आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत ये सब देख लीजिएगा। शहरी स्थानीय निकाय है जिसमें हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग CBC जिसमें कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है, जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण एवं राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में ULBS की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। अन्य संबंधित तथ्य हैं, इस कार्यशाला में 3 प्रमुख पहलुओं की शुरुआत की घोषणा की गई जिसमें MOHUA की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना है और ULBS के लिए पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजना है और इसके लिए निर्माण योजना तैयार करना है, सब कुछ है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होता है, तो इसकी उत्पत्ति, इसका गठन 2021 में राजपत्र में प्रकाशित सूचना के जरिए हुआ था और ये एक स्वतंत्र निकाय है और गठित ये निकाय तौर पर गठित की गई है, इसे पूरी तरह से कार्यकारी वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो देश सब देख लीजिए, बाकी हम चलेंगे आगे पेशा। ठीक है, पेशा तो पंचायत उपबंध है अधिनियम 1996 का, जिसे पेशा भी बोलते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने पेशा अधिनियम से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। पंचायत उपबंध अधिनियम या पेशा अधिनियम 1996 के बारे में जाने, तो पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया गया और दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित था। इसका उद्देश्य जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण करना और मुख्यधारा में लाना था। यह पंचायतों संबंधित
पर संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के कुछ संशोधन और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवी अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों के क्षेत्रों तथा विस्तार करता है। पेशा राज्य विधानसभाओं को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र मौजूद हैं। इन 10 राज्यों में से 8 राज्य झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर अपने राज्य में संबंधित पंचायती राज अधिनियमों के तहत अपने राज्य पेशा नियमों को तौर पर अधिसूचित किया है। पंचायत राज मंत्रालय पेशा अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा की मुख्य शक्तियाँ क्या है? तो भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई हस्तांतरित भूमि पर भी कब्जा दिलाने की शक्ति प्रदान करती है। अगला, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत या स्थानीय योजनाओं संबंधित संस्थाओं या कार्मिक पर नियंत्रण प्रदान करती है। लघु जल निकायों के प्रबंधन गौड या उपज के स्वामित्व शक्ति देती है। शराब की बिक्री, खपत और विनियमित और प्रतिबंधित करने की ग्रामीण बाजारों के प्रबंध या अनुसूचित जनजातियों के लिए दिए जाने ऋण को नियंत्रित करती है। तो परंपरागत कानून के अनुरूप क्या है? तो पंचायतों के संबंध में राज्य द्वारा बनाए गए कानून परंपरागत कानून सामाजिक धार्मिक प्रथाओं या समुदायों की परंपराओं के परंपरागत संसाधनों के परंपरागत प्रबंधन संबंधियों के अनुरूप होंगे। तो ग्राम सभा की बात की गई कि प्रत्येक ग्राम की एक सभा होगी या ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम पर ग्राम स्तर पंचायतों के नाम निर्वाचित नामावली में शामिल हैं। ग्राम सभा की भूमिका एवं जिम्मेदारियां। ग्राम सभा गांव में सभी निकायों कार्यों में मौजूदी देने, लाभार्थियों की पहचान करने तथा धन के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र जारी करती है। ग्राम सभा के पास सभी सामाजिक क्षेत्रों को स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं या पदाधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। पांचवी या छठवीं अनुसूची की बात करें तो आधार है और पांचवी अनुसूची छठवीं अनुसूची है। तो संवैधानिक प्रावधान है 244 क्लॉज 1 में। पांचवी अनुसूची का प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के लिए लागू होगा। और छठवीं है अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की प्रावधान है। परिषद का गठन। राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा संविधान द्वारा उपबंधित अविश्वासी जिला परिषद द्वारा पंचायत उपबंध क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन पांचवी अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी प्राधिकार है और पांचवी अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और ADCS को जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज है राज्यसभा के उपसभापतियों का पैनल और इसमें है संसद सेशन और राष्ट्रपति इम्यूनिटी या प्रेसिडेंट 176 और 267, ये तो पता ही होगा सब कुछ, और एडजस्टमेंट मोशन और अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान और ये सब चीज़ पता है। संसद सुरक्षा में से सरपंचपति और शहरी स्थानीय निकायों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ये सब चलते ही रहते हैं। तो ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट आएगा सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ आगे का। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइए, जरूर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।